वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहाँ चाह वहाँ रहा। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे। तो इसमें भी मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। पहला पॉइंट है, हम लोग डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब हमारे धरती का एक छोटा फॉर्म है, ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म है, जैसा कि लिखा हुआ है। आप देख भी सकते हैं अपने बाई ओर एक ग्लोब का फोटो है, फिगर 2.1। फ्रेंड्स, अगर दूसरे पॉइंट पे हम देखें तो फिर बात हो रहा है कि अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर व्हिच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख सकते हैं कि ग्लोब में एक नॉर्थ साइड और एक साउथ साइड को दिखाने के लिए ग्लोब बिल्कुल सीधा नहीं है, बल्कि थोड़ा सा टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है। इस दोनों ही भाग को हम लोग एक्सिस कहते हैं। और फ्रेंड्स, आपको शायद पता होगा कि हमारी धरती जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। मतलब कि अगर आप वर्ल्ड मैप देखेगा तो अमेरिका से जापान की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है कि वेस्ट टू ईस्ट। तो इसीलिए जब भी हम ग्लोब को घुमाते हैं तो हमेशा से वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ही घुमाते हैं। और फ्रेंड्स, अब अगर हम लोग आगे का बात करें तो फिर इक्वेटर, इक्वेटर क्या है? इक्वेटर भी एक इमेजिनरी लाइन है और जो कि हमारे धरती को दो भाग में बांटता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं इक्वेटर। तो धरती को दो भाग में बांटा जाता है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। और उत्तर, जो भी इक्वेटर के ऊपर का भाग है उसे हम लोग उत्तर का भाग है उसे हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और दक्षिण के भाग को सदर्न हेमिस्फीयर। और फ्रेंड्स, फिर हम लोग बात करते हैं कि पैरेलल, आपको पता होगा जो दो लाइन एक दूसरे को कभी टच ना करे और हमेशा साथ साथ बढ़े उसे पैरेलल कहते हैं। और पैरेलल सर्कल्स का बात हो रहा है यहाँ पे। जो पैरेलल सर्कल्स जो हमारे पूरे धरती को घेरती है उन्हें हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। और लैटिट्यूड को नापने के लिए, चूंकि ये सारी इमेजिनरी लाइन है, तो हमने कुछ कुछ तरीके अपनाए हुए हैं। पूरी धरती को अगर हम लोग एक स्फेयर मान लें तो उसमें 360 डिग्री होगा, और अगर उसका हम लोग एक चौथाई कर दें तो वो 90 डिग्री होगा। तो इसीलिए हम लोग इक्वेटर से मान सकते हैं कि वो एक 0 डिग्री लैटिट्यूड होगा, और वहां से हम लोग ऊपर जाते जाएंगे तो 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, और फिर 90 डिग्री नॉर्थ, और इसी तरह हम लोग नीचे भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह लैटिट्यूड जो है वो जैसे जैसे पोल के तरफ बढ़ेंगे, चाहे ऊपर या नीचे, तो वो छोटा होता जाएगा, जबकि लॉन्गिट्यूड जो हम आगे पढ़ेंगे वो हमेशा इक्वल लेंथ का ही होता है। ये देखिए, जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था कि पोल स्टार के मदद से आप अपना लैटिट्यूड भी बता सकते हैं। तो पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि किस तरह हम पोल स्टार या फिर ध्रुव तारा के मदद से डायरेक्शन पता कर सकते हैं, तो इससे हम लोग अपना लैटिट्यूड भी पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे तो काफी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, मगर 3-4 सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री की ये लाइन है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, और 23.5 डिग्री नॉर्थ में सिचुएटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। दूसरी लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो कि नीचे है, 23.5 डिग्री साउथ में। फिर उसके ऊपर अगर हम देखें तो आर्कटिक जोन, आपने नाम सुना होगा नॉर्दर्न पोल के पास, तो ये आर्कटिक सर्कल है, 66.5 डिग्री। और नीचे भी हम लोग अगर देखें तो एंटार्क्टिक सर्कल है, 66.5 डिग्री साउथ। तो ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं कि ये चार लाइन भी एक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है। और जो सबसे लंबा या फिर सबसे बड़ा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होता है वो इक्वेटर होता है, क्योंकि वो पूरी धरती के बीच से गुजरता है। अगर आगे हम लोग बात करें हीट जोन की, तो फिर देख सकते हैं हम लोग कि अगर सूर्य की रोशनी पड़ती होगी तो सबसे ज्यादा इस जोन में पड़ती होगी, इक्वेटर के ऊपर और नीचे के 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे। इसे ही हम लोग टॉरिड जोन कहते हैं। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर सबसे ज्यादा घनत्व और सबसे ज्यादा जनसंख्या भी पूरे दुनिया की यही रहती है। और आप अफ्रीका देख लीजिए या सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया भी देख लीजिए, ये सभी टॉरिड जोन में आती है।
और उसके बाद उससे थोड़ी कम गर्मी होती है टेम्परेट जोन में। टेम्परेट जोन ये एरिया होता है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का एरिया हो, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का एरिया हो। यहाँ पे टॉरिड जोन से तो कम गर्मी होगी लेकिन फ्रिजिड जोन से ज्यादा होगी। फ्रिजिड जोन ये हिस्सा होता है जो आर्कटिक सर्कल के ऊपर होता है और या फिर एंटार्क्टिक सर्कल के नीचे। ये यहाँ पे सूर्य की रोशनी सबसे कम पड़ती है, इसीलिए ये हमेशा ठंडा होता है और जमा रहता है। ऊपर हम लोग आर्कटिक सी भी जानते हैं और नीचे एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट भी जानते हैं, जो वो हमेशा जमा होता है या फिर बहुत ही ठंडा होता है। इसीलिए यहाँ लिखा भी है कि वहां पे बहुत ही कम एरियाज लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड एंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फेयर आर वेरी कोल्ड, और इसे ही हम लोग फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड हम लोग अगर चूंकि देख भी लें कि अगर ऊपर एक ही जगह पे एक ही सेम लैटिट्यूड दो जगह का भी हो सकता है जो कि आपस में काफी दूर हो, तो इसीलिए उनका एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमने लॉन्गिट्यूड भी बनाया। और लॉन्गिट्यूड हमेशा इक्वल लेंथ के होते हैं, अनलाइक लैटिट्यूड। लैटिट्यूड अलग अलग होते हैं, सबसे लंबा लैटिट्यूड होता है इक्वेटर, उसके बाद वो छोटे होते जाते हैं जैसे जिस तरह ऊपर या नीचे पोल पे पड़े, मगर लॉन्गिट्यूड हमेशा सेम साइज के होंगे क्योंकि वो नॉर्दर्न पोल से सदर्न पोल तक हमेशा एक बराबर होते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा भी है, अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड को ही मेरिडियन कहा जा रहा है। और प्राइम मेरिडियन एक ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो कि ग्रीनविच में है ब्रिटेन में, वहां पे जो मेरिडियन पास करता है उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और उसकी जीरो लॉन्गिट्यूड होती है। और जिस तरह हम लोग या तो पूर्व या फिर पश्चिम चलेंगे तो 180 डिग्री तक एक मेरिडियन आते जाएगा और फिर प्राइम मेरिडियन आ जाएगा, जिसको हम लोग 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ कुछ टाइम जोन दिया हुआ है पूरे दुनिया का। हम लोग को बस इतना याद रखना है कि भारत जो है वो दुनिया से 5 घंटा 30 मिनट दूर है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी यानी कि प्राइम मेरिडियन से, तो हम लोगों का समय आगे रहता है उनसे। यहाँ पे दिया भी है कि 360 डिग्री जो होता है वो 24 घंटे के बराबर होता है, तो 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर होगा और 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होगा। तो जितना डिग्री दूरी होगा उतना ही बार 4 मिनट आप जोड़ सकते हैं, और यहाँ पे ये कैलकुलेशन करके दिखाया भी हुआ है। अब अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो देखिए हमारा जो वेस्टवर्ड है जो गुजरात का लैटिट्यूड है लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री ईस्ट है, और ईस्टर्न मोस्ट टिप जो है अरुणाचल प्रदेश का वो है 97 डिग्री ईस्ट। और इन दोनों के बीच में अलाहाबाद के प्रयागराज के पास यहाँ पे 82 एंड हाफ डिग्री ईस्टवर्ड, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है IST। और सारा रेलगाड़ी और सारी लोकल टाइम चाहे वो अरुणाचल का टाइमिंग हो या फिर गुजरात का या कश्मीर का या कन्याकुमारी का, हर जगह का टाइम पूरे देश का टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से ही निर्धारित होता है और सारे ट्रेन भी इसे ही फॉलो करते हैं। और देखिए हमारा देश तो काफी बड़ा है मगर हमसे भी बड़े दुनिया में 6 देश हैं एरिया में, और रशिया उनमें से सबसे बड़ा है। तो रसिया चूंकि काफी वेस्ट और ईस्ट में भी काफी उसमें दूरी है तो वहां पे 11 स्टैंडर्ड टाइम होते हैं और वहां पे 11 टाइम का जोन है अलग अलग। तो अगर आप रसिया के अलग अलग प्रांत में जाएंगे तो वहां आपको अलग अलग समय मिलेगा। भारत में भी ये बहस छिड़ते रहती है कि क्या हमें 2 या 3 टाइम बना देना चाहिए क्या, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न पीपल को थोड़ी दिक्कत होती है, वहां पे ऑफिस टाइमिंग काफी पहले सवेरा हो जाता है मगर ऑफिस काफी लेट से शुरू होता है। और यहाँ पे लिखा भी है फ्रेंड्स कि 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच एंड ईच जोन कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, जैसा कि मैंने ऊपर बताया भी था। तो फ्रेंड्स आई होप कि मैं आप एक्सरसाइज तो कर ही लेंगे, और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, and share with your friends also who may need this.